students, how are you? I am Sangeeta teacher, and today I will teach you Hindi second. It is your Hindi second book, Hindi Vyakaran Evam Rachna. So students, take your books and today I will teach you part A, भाषा लिपि और व्याकरण. ठीक है, भाषा लिपि और व्याकरण. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 5. बच्चों, इसके पिछले हफ्ते में मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था, जिसमें आपकी हिंदी की 2 कॉपी बनेगी, एक सीडब्ल्यू हिंदी फर्स्ट की और एक सीडब्ल्यू हिंदी सेकंड की, यानी कि हिंदी व्याकरण एवं रचना की. ठीक है, और इसका सिलेबस भी मैंने दिया था. और सिलेबस लिखने के पहले बच्चों, आपको एलएफएस मिशन टेस्ट फॉर्मेशन एंड सिलेबस लिख लीजिएगा, मैंने पीडीएफ में सेंड कर दिया है. और उसके बाद जो हम अगला पीडीएफ आपको सेंड करेंगे, तब आप उसको अपने कॉपी में राइट करिएगा, उसके पहले कुछ मत राइट करिएगा. और हाँ, जिन बच्चों ने पहले से लिख रखा है, जो मैम द्वारा जो पढ़ाया गया है, कुछ बच्चे कॉपी बना लिए थे, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है वैसे लिखा रहने, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो, चाहे हिंदी फर्स्ट हो या हिंदी सेकंड हो. ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी न्यू बुक और कॉपी खरीदे हैं, जो अभी से अभी तुरंत लिखना स्टार्ट किए हैं, तो वो बच्चे जो हम पीडीएफ में देंगे वो ही राइट करेंगे. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है भाषा. ठीक है, भाषा क्या होता है, यानी कि लैंग्वेज. जैसे बच्चों, हम आपसे जिस बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, लैंग्वेज में तो बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा में, हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं. जैसे नेताजी बोलकर अपने विचार रखते हैं, या हम अपने विचार, जैसे हमने अभी अपने विचारों को आपके सामने बताया कि आपको किस कॉपी में राइट करना है, क्या राइट करना है, तो ये क्या है, आपको आप देखिए, जैसे अध्यापक लिखकर अपनी बात समझाते हैं, तो ये सब क्या है बच्चों, भाषा का प्रयोग करके अपनी बातों को अपने बच्चों को टीच अध्यापक समझाता है. जैसे आम जनता सुनकर समझ, जैसे आप सुनकर समझ रहे हैं, और आम जनता जब नेताजी भाषण देते हैं तो वो सुनकर समझते हैं, है ना. ऐसे ही तरीकों से बच्चों, जब हम एक दूसरे की भावों को और विचारों को समझते हैं, और अपने भावों विचारों को दूसरों को समझाते हैं, सुनाते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं. ठीक है बच्चों, और भाषा वह साधन व माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर अथवा लिखकर या कहकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अर्थात दूसरे के विचारों को और भावों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं. इससे बच्चों, आपको पता होगा कि ईश्वर ने विभिन्न जंतु जीवों का निर्माण किया है, और उनकी अलग अलग बोलियां, वो लोग भी आपस में बात करते हैं, लेकिन वो लोग क्या है, उनकी कोई बोली या भाषा नहीं है, उनकी एक ध्वनि निकलती है जिन्हें हम भाषा नहीं कहते, लेकिन ईश्वर ने हमें जो वरदान प्राप्त किया है वो है हमारी बोली, जिससे हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और सुनते हैं, और अपनी भावनाओं को भी प्रकट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी को भाषा कहते हैं. भाषा की परिभाषा क्या है, देखिए, भाषा वह माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को समझते हैं, यानी कि हमने जो बोला आपने सुना, आपने जो कहा हमने समझा, इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं. ठीक है, समझ में आया बच्चों. और ये भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की. मेन हमारा 2 प्रकार होता है, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा. लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों और भाव को लिखकर किसी को बताते हैं तो वो क्या होता है, लिखित भाषा. और जब हम किसी अपने भाव विचारों को या दूसरे के भाव विचारों को सुनकर या बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं. सांकेतिक भाषा, भाषा के उसमें नहीं आता है सांकेतिक भाषा, इशारों के माध्यम से जो हम अपने विचारों को प्रकट के जो बोल नहीं सकते हैं, इशारों के माध्यम से बात करते हैं, उनको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं.
अब आते हैं बच्चों भारतीय भाषाएं क्या क्या है। भारत एक क्या है, विशाल देश यानी बहुत बड़ा देश है और इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। बोली जाती है ना, आप देखते होंगे हिंदी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, अनेक प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं। और इस समय वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में कुल 18 भाषाओं को संविधान द्वारा क्या प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। कितने कितने भाषाओं को, 18 भाषाओं को, ये याद रखिएगा बच्चों, इम्पोर्टेंट है, 18 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है इस समय, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती है। ठीक है बच्चों, भारत के, हम लोग भारत में रहते हैं और जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, अलग अलग प्रदेश है ना, तो विभिन्न यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जो अलग अलग प्रदेशों में बोलते हैं उसे हम कहते हैं प्रादेशिक भाषा। जैसे पंजाब है ना, पंजाब देश, तो पंजाब प्रदेश उसे कहेंगे हम, वहाँ की भाषा है पंजाबी। ठीक है, पंजाब प्रदेश की कौन सी भाषा है, पंजाबी भाषा है। ऐसे ही कुछ देशों के नाम आपके बुक में दिया हुआ है, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। जैसे असम, असम की बोली जाने वाली मुख्य भाषा है असमिया। फिर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बच्चों बंगला बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ठीक है, वहाँ की मुख्य भाषा क्या है, तमिलनाडु की तेलुगु। ऐसे जम्मू कश्मीर की कौन सी भाषा है, डोगरी और कश्मीरी। गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र का मराठी मराठी, दिल्ली का हिंदी है, बिहार में हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी, जैसे कि आप सब जानते हैं हम लोग यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं और किस भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मध्य प्रदेश, यहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड, यहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। राजस्थान, यहाँ भी हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा, यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। ठीक है, मणिपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चों हो गए हमारे कुछ प्रमुख प्रदेशों के नाम और उनके बोले जाने वाली मुख्य भाषा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं देखते हैं भारत की राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। और इसे कब हम जो है संविधान द्वारा लागू किया गया था, इसे घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। कब किया गया था, 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया था। किसके द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, और इसीलिए 14 सितंबर को क्या कहते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से दिवस के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में। और इसे राजभाषा भी कहते हैं, राजभाषा दिवस भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, जो भाषा अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है इसीलिए। और इसकी लिपि क्या है, रोमन है। क्या है लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन है। जैसे हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा जानते किसे कहते हैं। अब इसके प्रमुख प्रदेशों के नाम है और इसकी बोले जाने वाली भाषा है, तो इसको हम बच्चों आपको कल बताएंगे कि इसके प्रमुख प्रदेश कौन कौन से हैं और इसकी बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इसकी आगे का समझाएंगे। अब बच्चों आज आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। तो आज हमारा होमवर्क है पाठ एक, प्रमुख प्रदेशों के नाम तथा बोले जाने वाली मुख्य भाषा के नाम लिखे, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया और समझाया कि प्रमुख प्रदेश कौन कौन से हैं जो और बोले जाने वाली जिनकी जो मुख्य भाषा है वो कौन कौन सी है। आपके बुक में दिया भी है और मैंने आपको बताया भी है, तो आपको आपके SW कॉपी में राइट करना है और अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।